हेलो नमस्ते, वेलकम बैक। मैं हूं यश कदम, आप लोग देख रहे हो फिट बाइट। आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज व्लॉग गाड़ी से इसीलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि अभी लेने जाना है चिकन। और आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं मेरी फेवरेट पल्किंग रेसिपी, जो कि आई एम डैम श्योर आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है और मैं बहुत इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सच्ची में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप लोग ट्राई करोगे तभी आपको पता चलेगा। और अगर आप लीन बल्किंग वगैरह कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। और बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान है, आप लोग को इन डिटेल बताऊँगा एकदम स्क्रैच से क्या क्या करना है, क्या क्या लगने वाला है। तो सबसे पहले चिकन लाते हैं क्योंकि कल रात को मेरा चिकन जो है वो ख़त्म हो चुका था और चिकन काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। अभी मैं खुद से ले रहा हूँ तो मेरे को रियलाइज़ हो रहा है। एनीवेज चिकन लेके आते हैं। तो दोस्तों चिकन ले लिया यहाँ पे, अभी जल्दी से घर पे जाते हैं और आगे का प्रोसेस आप लोगों को घर पे बताता हूँ। तो भाई सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्लीनिंग एंड कटिंग। चिकन में जो एक्स्ट्रा फैट होता है उसको निकालना है और चिकन को छोटे छोटे पीसेस में कट करना है। स्टेप नंबर टू इज मैरिनेशन। चिकन को अच्छी तरीके से मसालों से मैरिनेट करना है। अभी मैं कौन से मसाला यूज कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो। तो गाइस चिकन को मसाला लगा दिया है, अभी इसको फ्रिज में रख देते हैं अच्छे से मैरिनेट होने के लिए। तब तक हम हमारा प्री वर्कआउट मील बनाते हैं, जिम जाते हैं और घर आने तक चिकन एकदम रेडी हो जाएगा, अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाएगा। तो आप लोग भी जिम जाने से पहले चिकन को अच्छे से मैरिनेट करना, जितना ज़्यादा टाइम के लिए आप रखोगे उसको मैरिनेट होने के लिए उतना अच्छा टेस्ट करेगा। ऑल राइट गाइस, बैक फ्रॉम द जिम और चिकन भी मैंने यहाँ पे निकाल के रख दिया है। तो जिम से आने के बाद सबसे पहला काम करना है अपना प्रोटीन शेक वगैरह पी लो, उसके बाद चिकन बाहर निकाल के रख दो। और साथ में आज मैं यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स हैं, कैप्सिकम, ऑनियन और ये ग्रीन बीन्स। तो बेसिकली आप लोग कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हो उसके साथ में ऑनियंस वगैरह। मैं ज़्यादा करके ग्रीन्स प्रेफर करता हूँ फाइबर के लिए। और आपको लगेगा एक पैन। अभी सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, चिकन को कुक करना है, उसके बाद आगे देखते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करना है। यस, गैस को लो फ्लेम पे रखना है। और आज मैं ऑयल की जगह पे यूज करने वाला हूँ घी, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बॉडी बिल्डर्स को देखा है, स्पेशली इंडियंस को, लीन बल्किंग के वक्त या बल्किंग के वक्त ना घी यूज करते हैं देसी घी घर पे बना हुआ। तो इसीलिए मैंने मम्मी को बोला कि यार मम्मी मेरे को घर पे देसी घी बना के दो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मम्मी को आता नहीं बनाने के लिए। तो इसीलिए मम्मी ने मेरे लिए ये ऑर्डर किया। दिस इज कपीवा का A2 देसी काव घी। और पिछले 3-4 दिनों से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया रहेगा। और इसका टेस्ट मतलब इसको आप खाने में ऐड करो या इसमें आप लोग चिकन कुक करो या ऑमलेट कुक करो, टेस्ट नेक्स्ट लेवल पहुँच जाता है। और इसका जो अरोमा जो फ्लेवर्स आते हैं ना वो बहुत बढ़िया रहता है। तो आज हम लोग चिकन इसमें ही कुक करने वाले हैं और लेट्स स्टार्ट। सो गाइस सबसे पहले अभी पैन तो ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, उसमें डालना है ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून इज मोर देन एनफ मेरे हिसाब से। हाफ टेबल स्पून इतना होता है। यस, ये देखो घी यूज करने का फायदा क्या है, थोड़ा सा घी डालो पूरे पैन में अच्छी तरीके से स्प्रेड हो गया। इससे क्या होगा, आपका जो चिकन है वो अच्छी तरीके से कुक होगा। आप लोग देख सकते हो कितना सा डाला था मैंने, कितना अच्छे से स्प्रेड हुआ है। सो अभी नेक्स्ट स्टेप, जितना आपको चिकन चाहिए उतना चिकन बस पैन में डाल दो। सो गाइस अभी एक ऐसा लेट लगेगा आपको, चिकन को लगभग 5-10 मिनट के लिए, 10 मिनट बहुत ज्यादा हो गया, इसको ढक के रख दो, कुक हो जाएगा अच्छी तरीके से। और मीडियम फ्लेम पे, फ्लेम बिल्कुल भी फास्ट मत करना, चाहे कितना भी गाय हो
जल जाएगा चिकन, आपका चिकन है आपके पैसे सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए सो गाइस अभी चिकन कुक हो रहा है अपने पास थाई में, थोड़ा मैं इस घी के बारे में आपको बताता हूँ। ये घी मेरे को पर्सनली बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आया, आप लोगों को बताया मैंने पिछले एक वीक से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। ये घी को ट्रेडिशनल इंडियन मेथड जो होता है बिलोना मेथड, जो गांव साइड में वगैरह रहता है उनको पता रहेगा बिलोना मेथड क्या, उससे इसको बनाया गया है हाथों से अपने, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विदाउट एनिमल क्रुएल्टी इसको बनाया गया, मतलब बिना एनिमल को हार्म किए इसको बनाया गया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और ये इंडियन काउ ब्रीड जो होता है थारपारकर उससे बनाया गया है, आप लोग देख सकते हो इसकी प्योरिटी। जो बाकी जो घी वगैरह मिलते हैं मार्केट में मोस्टली वो सब जर्सी ब्रीड जो होते हैं फॉरेन ब्रीड्स उनसे बनाया गया है। सो बिग थम्स अप फॉर प्योरिटी। तो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम आप जब भी घी लेने जाओगे ना ऐसे घी ही लेना जो इंडियन काउ ब्रीड जो होते हैं, जैसे कि गिर हो गया, सहवाल हो गया, या फिर रेड सिंधी हो गया, थारपारकर हो गया, इनसे ही बनाओ, ना कि फॉरेन ब्रीड जैसे कि जर्सी वगैरह। तो गाइस चिकन अभी ऑलमोस्ट कुक हो गया रहेगा, 8 से 10 मिनट हो गए हैं। और चिकन की क्वांटिटी अगर आप लोगों को जाना है तो चिकन की क्वांटिटी मैं बोलूँगा कि आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चिकन खाते हो एक टाइम पे। मैं यूजुअली 250 ग्राम्स तक यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे चिकन जो है वो रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में थोड़ा सा, ये देखो ऐसे करके देखोगे ना तो ये कट जाना चाहिए, मतलब चिकन कुक हो गया, ये देखो इजीली टूट रहा है एकदम। तो चिकन अभी ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, अभी इसमें वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अगेन वेजिटेबल्स भी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन से ऐड करना है। मैं कैप्सिकम ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऑनियन, और ग्रीन बीन्स। बस अभी इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। सो गाइस अभी टाइम आ गया इसमें राइस ऐड करने का। अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्लोज टू 200-250 ग्राम्स ऑफ वाइट राइस। आप लोग चाहे तो ब्राउन राइस का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर पोस्ट वर्कआउट में खा रहे हो तो वाइट राइस इज़ अ गुड ऑप्शन, क्योंकि ये सिंपल सोर्स ऑफ कार्ब्स है जो आपके बॉडी को जल्दी से रिप्लेनिश करेगा ग्लाइकोजन स्टोर्स को। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा शेजवान फ्राइड राइस मसाला, नो पेड प्रमोशंस। चिंग्स वाले अगर देख रहे हैं तो पेड प्रमोशन करने के लिए रेडी होना, एकदम थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं, बस टेस्ट के लिए। दैट्स इट बस। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है डार्क सोया सॉस, ये भी बहुत थोड़ा, ये सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं बस। Alright. इसको भी एक लास्ट बार अच्छे से मिक्स करो। सो गाइस ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा रेडी है, बस गैस बंद कर दो और इसको अभी एक बोल में मस्त गर्मा गर्म सर्व करो। सो गाइस फाइनली अपना बल्किंग मील इज रेडी। इसके जो भी मैक्रोस होते हैं, जो भी चीजें मैंने यूज की उसके अकॉर्डिंग जो भी मैक्रोस होते हैं स्क्रीन पे आप लोगों को देखने मिल जाएंगे। और अभी मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताता हूँ। वैसे तो मैं रोज खाता हूँ, बहुत ज्यादा टेस्टी, अभी थोड़ा सा गर्म है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है। और ये घी ऐड करने से, घी में अगर आप कुक करते हो ना देसी घी में, उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मेक श्योर कि आप लोग भी घी खाओ, ज़्यादा सोचो मत कि घी खाने से फैट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। अगर आप लिमिटेशन में खाते हो, एक लिमिट में खाते हो ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कपिवा A2 देसी घी, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर चेक कर लेना। सो गाइस थैंक यू सो मच, ये थी आज की रेसिपी। अगर आप लीन बल्किंग कर रहे हो या फिर बल्किंग कर रहे हो, मेक श्योर कि आप लोग ये रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करना।
अगेन आप लोग चिकन राइस जो भी इंग्रीडियंट्स है आपके हिसाब से आप लोग यूज़ कर सकते हो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी फिलहाल के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है क्योंकि सारी चीज़ें मैंने बंद की थी वीडियो शूट करने के लिए ताकि आपको ऑडियो अच्छा है, तो इसको एंजॉय करता हूँ मैं और आज का वीडियो यहीं पर करता हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है मेक श्योर ज़रूर ट्राई करो, लाइक का बटन है वो दब जाना चाहिए और जब भी ट्राई करोगे इंस्टाग्राम का आईडी आप लोग स्क्रीन के सामने देख सकते हो, जाके फॉलो करना, जब भी ट्राई करोगे रेसिपी स्टोरी डाल के टैग करना भूलना नहीं। मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं ध्यान देना, बाय बाय, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक्चुअली बहुत ज़्यादा भूख लगी इसकी वजह से थोड़ा फंबल कर रहा हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो पोस्ट करो आप लोग मिस ना करो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।